आइस खोल के रखें, ब्लैक फ्रेम आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ज़ुबैर अजमल ऑफिशियल के लिए आपका दोस्त ज़ुबैर अजमल आपके साथ हाजिर है। आज जैसे आप सब दोस्तों को पता है कि ईद उल अज़हा की आमद आमद है, तो सब लोग उसके तैयारी में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी कुछ पाकिस्तानी इस कश्मकश में कि आया ईद उल अज़हा की तारीख क्या होगी। तो महकमा अवकाफ़ ने आपकी ये मुश्किल दूर करने के लिए आज अवकाफ़ की बिल्डिंग पर चांद देखने का अहतमाम किया है, जिसमें उलमा की बहुत बड़ी तादाद शरीक कर रही है और टेलीस्कोप लगाया गया था ताकि चांद को देखा जा सके। लेकिन फ़िलहाल जो लाहौर का वेदर है, अगर आप मेरी अकम में देख सकें तो ये क्लाउडी है, तो चांद दिखने के चांसेस तो बहुत कम है। लेकिन क्योंकि पूरे पाकिस्तान से शहादतें वसूल की जाएंगी, तो इस सिलसिले के लिए इजलास जारी हो गया है और हम वो भी आपको दिखाएंगे और उसका जो फैसला होता है वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल हम भी देखते हैं कि क्या बनता है, ईद उल अज़हा किस तरीके को। और में चांद नजर आने का जो इम्कान था वो 7:56 था, और जवानी और पसनी वगैरह ये जो साहली एरियाज हैं इसमें 9:36 तक चांद नजर आने का इम्कान है। और इस वक्त मरकजी रोहित हलाल कमेटी का इजलास वो कराची में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी पाकिस्तान उनकी सदारत में इस वक्त जारी है। चांद नजर आने के इम्कान भी हैं जो हमारे जो मौसमियात वाले हैं इदारे हैं उनके मुताबिक तकरीबन 50% चांस है। तो इसलिए अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा है 9:36 तक, तो अभी हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ेगा हतमी ऐलान के लिए, और हतमी ऐलान का इश्तहार भी क्योंकि चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी को है, इसलिए लाहौर में चांद नजर आने का इम्कान 7:56 था। हमारे जो दर्जनवा से जो इतलात मौसम हुई उसके मुताबिक बदलाव बरूद होने के सबब यहाँ से कहीं से हमें चांद नजर आने की इतला नहीं हुई। हमारे जो डायरेक्टर मौसमियात इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने हमें यह भी बताया कि लाहौर में अगर आज मतला साफ होता तो चांद नजर आने का इम्कान लाहौर में भी हो सकता था, लेकिन लाहौर में भी बादल है और गिरदनवा में भी बादल है। तो लाहौर में क्योंकि अब हमारा इजलास जो है इस वक्त ख़त्म हो रहा है, 7:56 तक यहाँ चांस था, तो यहाँ अभी तक कोई इतला हमें गिरदनवा से भी मौसूल नहीं हुई। हमने चेयरमैन मरकजी रोहित हलाल कमेटी जिनकी सदारत में इस वक्त इस कराची में इजलास जारी है वहाँ ये सारी सूरत हाल सबको मुतला कर दिया है। यहाँ इजलास हम ख़त्म करते हुए मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद इशाक साकी साहब के दुआ। बिस्मिल्लाह अल्लाह।